सो फाइनली दोस्तों Redmi 10 Prime को टक्कर देने के लिए Infinix कंपनी अब अपना एक नया स्मार्टफोन Infinix Hot 11s 17 सितंबर को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसमें कि हमें सेम Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि Redmi 10 Prime में भी देखने को मिला था। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें और क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे, इसकी प्राइस क्या हो सकती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस Infinix कंपनी अब अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है। जी हां दोस्तों, ये अपने Infinix Hot 10s का एक अपग्रेडेड मॉडल होगा जिसमें कि हमें काफी सारी चीजें अपग्रेड देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक और डिजाइन की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस स्मार्टफोन के बैक में हमें पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा जिसमें कि बड़ी सी कैमरा हाउसिंग दी गई है और रियर साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिलेगा। नाउ बात करें अब इस स्मार्टफोन के फ्रंट की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 6.8 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आ सकता है। तो दोस्तों Infinix कंपनी भी अब अपने बजट स्मार्टफोन में फुल HD प्लस डिस्प्ले देने लग गई है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला एक नया चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि है Helio G88। जी हां दोस्तों, ये प्रोसेसर अभी हाल ही में लॉन्च किए गए Redmi 10 Prime में भी देखने को मिला था, जिसमें कि हमें परफॉर्मेंस वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, तो अगर आप इस पर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सभी गेम इस पर आप प्ले कर पाएंगे। वहीं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो कंपनी इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज वेरिएंट पर लॉन्च कर सकती है, 4+64GB और 6+128GB, जिसमें कि हमें LPDDR4X रैम और eMMC स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। साथ ही में ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक में हमें बड़ी सी कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें कि हमें 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि अभी हमें Redmi 10 Prime में भी देखने को मिला था, वही कैमरा सेटअप आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। वहीं इसके फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप देखा जाए तो हमें 10,000 से 12,000 की प्राइस में 48 नहीं बल्कि 50MP कैमरा देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें सेम 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जिसको कि आप 18W के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें Android 11 ट्रिपल कार्ड स्लॉट, USB टाइप सी, 3.5mm हेडफोन जैक, रियर साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर मिलेंगे। तो ये है कंप्लीट स्पेक्स Infinix के अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Hot 11s की जो कि हमें 17 सितंबर को देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया, Infinix Hot 10s इस टाइम पर हमें 10,000 की प्राइस में देखने को मिलता है जो कि Flipkart पर आपको मिल जाएगा। वहीं Infinix Hot 11s में हमें काफी सारी चीजें अपग्रेड देखने को मिलती है। तो इस स्मार्टफोन को कंपनी 11 से 12,000 की कीमत में लॉन्च कर सकती है जो कि एक ठीक ठाक प्राइस है, क्योंकि ये प्रोसेसर और फीचर वाले स्मार्टफोन अब हमें 10 से 12,000 की प्राइस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि Redmi 10 Prime भी हमें 12,500 की कीमत में मिल जाता है। तो Infinix कंपनी अगर अपना स्मार्टफोन 11,000 की प्राइस में लॉन्च करती है तो ये काफी कमाल का डिवाइस होगा, इसको काफी सारे लोग लेना पसंद करेंगे। बाकी आपकी क्या राय, आपके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होनी चाहिए और इसके फीचर वगैरह आपको कैसे लगे हैं बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसे नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।